Hey guys, welcome back to my channel. तो आज है I think Tuesday, yeah. और आज हमारा second day है इस resort में और आप पीछे देख सकते हैं again मस्त सा view है. आज मैंने hair wash करे हैं और swimming पर जाना है आज हमें, but फिर भी मैंने पहले hair wash कर लिए क्योंकि मन करा था hair wash करने का और hair बहुत गंदे हो गए थे इसलिए. तो कल मैंने आप लोग को जैसे कि बोला था कि next video ज़रूर देखना और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों मैं कल सैड थी. तो सैड होने का रीज़न मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ और वो रीज़न ये था कि हम लोग के जो फार्म हाउस है उस पर हम लोग ने काऊ रखी हुई है. जस्ट ऐसे ही हम लोग में अच्छा मानते हैं काऊ को पालना एज अ पेट, तो हम लोगों ने काऊ एक रखी हुई है. तो उसके दो काऊ हैं अब, उसका एक बेबी बच्चा है जो कि बड़ी हो चुकी है. दो काऊ हो चुकी है बड़ी और 15 दिन पहले उस काऊ के एक और बच्चा हुआ था जो अगेन फीमेल काऊ ही थी. तो वो काऊ को कुछ परसों या दो तीन दिन पहले 5 जंगली डॉग्स ने उसको काटा था, बहुत ज़्यादा काटा था और पैरों पे तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी. और 15 डे की छोटी गाय थी वो और बहुत ज़्यादा उसका ब्लीडिंग ब्लड वगैरह निकल गया. तो हम लोगों ने डॉक्टर वगैरह से कंसर्न करके उसको कराया भी, उसको जो भी उसका इलाज था वो करवाया, बट फिर भी वो 24 आवर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाई और वो उसके नेक्स्ट डे एक्सपायर हो गई. छोटी सी गाय बहुत क्यूट थी और मतलब मैंने फ़ोटो में ही देखा, मैंने अभी तक हम लोग उसको देखने भी नहीं गए थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था. मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार पड़ गई थी इसलिए, और वो गाय छुटकू सी एक्सपायर हो चुकी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड थी. और यू नो वॉट, हम लोगों ने उन गायों की देखभाल के लिए भी लोग रखे हुए हैं, बट देखो उन लोगों ने भी कितनी केयरलेस तरीके से उन लोग का देखभाल किया कि वो एक्सपायर हो गई इस तरीके से. तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा सैड थी, तो ये रीज़न था मेरे सैड होने का. बट एनीवेज जो होना था हो गया, आई होप उसकी आत्मा को शांति मिले. सो अब हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में लंच के लिए, और लंच के लिए हम लोग इस रिजॉर्ट से बाहर जा रहे हैं क्योंकि मेरे मदर इन लॉ का मन है गुजराती थाली खाने का. तो हम थाली खाने जाने वाले हैं थोड़ी देर में. तो ये मेरे फ़ोन में बैटरी कम हो रही है तो इसलिए चार्जर लेके जा रही हूँ चार्ज करने के लिए. तो चलो जब बाहर जाते हैं तो थोड़ी देर बाद तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ फिर हम कहाँ जा रहे हैं आज लंच करने के लिए. हे गाइस, सो अभी हम लोग लंच करके निकले हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा थाली थी गुजराती थाली एंड फूड वाज अमेजिंग, बहुत 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 ही डिलीशियस फूड था. एंड अभी हम लोग आए हैं पान खाने के लिए, तो हम पान खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मुखवास थी वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी. 0F44F1. सो गाइज़, अब हम आ चुके हैं अपने रूम में और आए हुए काफ़ी देर हो चुके हैं हम होटल में. और आने के बाद हम लोग सबके सब मिल के कार्ड्स खेल रहे थे, बहुत हम लोगों ने कार्ड्स खेले और बहुत मज़ा आया. और अब बज गए आई थिंक 4:15 बज रहे हैं और अब हम सोच रहे हैं कि स्विमिंग करने जाएं, बट मुझे बहुत ज़ोर की नींद भी आ रही है. तो देखते हैं कि स्विमिंग करने जाते हैं कि मैं सोती हूँ. एंड आप यहाँ पर जो रेडनेस देख पा रहे होंगे, आई थिंक यू कैन सी द रेडनेस ओवर हेयर, ये मुझे जो एलर्जी कुछ दिन पहले हुई थी वो अभी तक गई नहीं है. तो यहाँ पे भी हो रखी है और यहाँ पे भी हो रखी है, पूरा रेड रेड हो रखा है, बट पहले से काफ़ी कम हो गया. अदरवाइज पहले मेरा फेस जो था वो इतना ज़्यादा स्वेल कर गया था. आई डोंट नो कि हुआ क्या. मैं नेक्स्ट डे उठी तो ऐसा मेरे को फेस मिला. तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बिकॉज़ आई एम फीलिंग सो डैम स्लीपी.
ऐसा होता है ना, वेकेशन पे आओ और कुछ करो नहीं तब भी बहुत ज़्यादा स्लीपी और टायर्ड फील होता है। आई डोंट नो कि आप लोग को भी ऐसा होता होगा कि नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि वेकेशन पे जब जाती हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फीलिंग होती है। सो आप लोगों को आजकल मैं म्यूजिकली डाल रही हूँ यूट्यूब पे, और आप लोगों को मेरी म्यूजिकली कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर लिया करो, खुद हंसते हो अपने फ्रेंड्स को भी वो म्यूजिकली दिखा के हंसा दिया करो। तो चलो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हेलो गाइस, सो मैं रेडी हूँ, आप देख सकते हैं ये मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हूँ स्विमिंग के लिए, और मैंने साथ ही साथ अपने फेस को वॉश भी कर लिया, जो मैंने आईज़ में मेकअप किया हुआ था उसे रिमूव कर दिया है, क्योंकि स्विमिंग में अगर फैल जाता तो वो मेरा फेस बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैंने इसे पहले ही रिमूव कर दिया मेकअप को, और अब मैं जा रही हूँ स्विमिंग करने। तो मिलती हूँ आपसे वहीं पहुँच के। हे गाइस, सो आप लोगों ने देखा कि मैंने स्विमिंग करी आज, क्योंकि मैं स्विमिंग सीख गई हूँ और मैंने स्विमिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन की हुई है अपने जहाँ हमारे क्लब में मेंबरशिप ली हुई है वहीं पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, लेकिन मैं अलग टाइम पे और मेरे हस्बैंड अलग टाइम पे जाते हैं स्विमिंग करने। तो आप लोगों ने मेरे साथ जो स्विमिंग करते हुए देखा है वो मेरा नेव्यू है, वो मेरे साथ स्विमिंग कर रहा था और मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो ले रहे थे। सो बहुत मज़ा आता है, मेरे को बहुत 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 शौक है स्विमिंग का, तो इसीलिए मैंने स्विमिंग सीखी। अभी भी मैं सीख रही हूँ प्रॉपर, आई थिंक 2 महीने करीब हो चुके हैं मुझे सीखते हुए, तो सब पूरा स्टाइल्स नहीं आते हैं मुझे, बट काफ़ी हद तक मैं सीख चुकी हूँ स्विमिंग, क्योंकि एक शौक होता है ना किसी को कुछ सीखने का तो वो चीज़ हम जल्दी सीख पाते हैं। तो इसलिए मैंने गाड़ी चलाना, कार ड्राइविंग भी सीख लिया, अब मैं कार ड्राइव करती हूँ खुद से अकेले, और स्विमिंग भी आ गया मुझे। तो इन दोनों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों मैं चीज़ें अचीव कर पाई हूँ। मेरे जो बकेट लिस्ट होती है ना एक, कि हमें क्या करना है आगे, क्या सीखना है, क्या करना है, तो उसमें से 2 चीज़ हट चुकी हैं। वैसे तो बकेट लिस्ट जो है मेरी काफ़ी लंबी है, पता नहीं कब वो पूरी होगी। सो देखते हैं क्या क्या कटता जाएगा, आई थिंक टाइम टू टाइम एक 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 चीज़ कटती जाएगी। तो चलो यार, रात के 11 बज चुके हैं, येस बहुत लेट मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम लोग सारे फैमिली, आप लोग को पता ही है कि फैमिली के साथ हम आए हुए हैं, तो हम लोग सब बैठ के कार्ड्स खेलते हैं रात में, और जब भी हम लोग को फ्री टाइम मिलता है हम सब बैठ के कार्ड्स खेलते हैं, तो हम कार्ड्स खेल रहे थे और अब हम लोग को बहुत ज़ोर की नींद आई है, और कल हमें यहाँ से चेकआउट करके वापस हम अपने घर जा रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने रूम में आ गए हैं सोने के लिए, ताकि कल सुबह आराम से चेकआउट कर सके। तो चलिए मैं इस व्लॉग को अब ख़त्म करती हूँ, एंड आई होप आप लोगों ने ये आज का जो व्लॉग है वो इन्जॉय किया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप इन्जॉय करते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।